ईश्वर का ही रूप होती है। इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रूपी महाशक्ति का विराट स्वरूप का साक्षात करते रहना चाहिए। ये साक्षात्कार हमें मनोबल देता है, लक्ष्य देता है, भी देता है, हमारा मार्ग और अधिक स्पष्ट करता है। साथियों, कोरोना महामारी से पहले अंधकार के बीच हमें निरंतर प्रकाश की ओर जाना है। जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है हमारे गरीब भाई बहन, उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। इस कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है उसे समाप्त करके हमें उजाले और हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए। इस अंधकारमय संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है और इसलिए इस संडे 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी पे खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए। ये उजागर होगा, उसमें उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। साथियों, मेरी एक और प्रार्थना है, इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी
इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इसलिए 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे कुछ पल अकेले बैठकर हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए, स्मरण कीजिए, 130 करोड़ देशवासियों के चेहरों की कल्पना कीजिए, 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिकता, इस महाशक्ति का एहसास। हमारे यहाँ कहा गया है, उत्साह हो बलवान आर्य, न अस्ति उत्साह परम बलम, स उत्साहस्य लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम। यानी हमारे उत्साह, हमारी स्पिरिट से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिल न कर पाए। आइए साथ आकर साथ। कहा कि हर कोई अपने अपने घर की लाइट पूरी तरह से बंद कर दे, बालकनी में खड़े हो जाए, हाथ में एक दिया, मोमबत्ती, मोबाइल का फ्लैश लेकर उस रोशनी से पूरे अंधकार को जो कि करें, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। देखिए 11 मिनट के इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें उस गरीब का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है जो कोरोना संकट में कहीं पीछे छूट गया है, उसकी जिंदगी में अंधकार आ गया है, इसलिए उसकी जिंदगी में रोशनी भरनी है और इस रोशनी को भरने के लिए हम सबको मिलकर आगे आना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी